CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पाठ्यचर्या पर आधारित श्रृंखला ध्वनि शाला। तो आइए अब चलते हैं कक्षा 6 की ध्वनि शाला में। नमस्कार बच्चों, आज मैं सीमा शुक्ला ओझा आपसे आपकी कक्षा 6 के अध्याय 2 आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक पर चर्चा करने वाली हूँ। आपने अपने पिछले अध्याय में जाना कि कैसे अलग अलग साक्ष्यों की मदद से हम भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन इतिहास को जान सकते हैं। आज हम जानने वाले हैं कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पहल कब लोगों ने रहना शुरू किया, उनका जीवन कैसा था, वे कहाँ रहते थे, हमारे पास उनके बारे में जानने के साक्ष्य कौन से हैं और कैसे लोग आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक बने। तो चलिए अपनी बात शुरू करते हैं। तो हमें पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमें लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लोगों के रहने के साक्ष्य मिलते हैं। इस नाम से ही शायद आपको उनकी जीवन शैली का काफी कुछ पता चल गया होगा। वे अपने भोजन का इंतजाम कैसे करते थे, शायद इसी आधार पर इन आरंभिक लोगों को यह नाम दिया गया है। आखेटक खाद्य संग्राहक, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपने आसपास उपलब्ध फल, मूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे आदि का संग्रह करते थे और जंगली जानवरों का शिकार करते थे। इन्हीं पर उनका जीवन निर्भर था और इसी तरह खाद्य संग्रह और शिकार करते हुए वे एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि जब उनको खाने पीने की चीजें उनके आसपास उपलब्ध थीं, तो वे एक स्थान से दूसरी जगह क्यों जाया करते थे। तो बच्चों, इसके कई कारण रहे होंगे। पहला कारण ये हो सकता है कि जब वे एक जगह पर बहुत समय तक रहते थे तो उसके आसपास उपलब्ध कंदमूल, फल फूल और जानवरों के शिकार करने के बाद उनके पास खाने के लिए कुछ और नहीं रहता होगा, तो फिर से भोजन की तलाश में वे नए क्षेत्रों की ओर जाते होंगे। दूसरा कारण शायद ये रहा होगा कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और अन्य मवेशी अपने चारे के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों के शिकार पर निर्भर रहने वाले लोग भी शायद इनके पीछे पीछे जाते होंगे। एक कारण हम ये भी समझ सकते हैं कि कई बार अलग अलग पेड़ पौधों को वो भोजन के रूप में उनका इस्तेमाल करते थे, तो हो सकता है कि मौसमी फलों की तलाश में वे एक इलाके से दूसरे इलाके में जाते होंगे। और एक अन्य महत्वपूर्ण बात हमें यहाँ पर जो ध्यान रखने की है कि हम सभी जानते हैं कि पानी के बिना किसी भी जीव जंतु का जीवन संभव नहीं है। पहले भी पानी झीलों में, नदियों में या झरनों में उपलब्ध था। कुछ पानी के स्रोतों में साल भर पानी मिलता था, लेकिन कई गर्मी के मौसम में सूख जाते होंगे, तो ऐसे में लोग पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह पर या इलाकों में जाते होंगे। अब प्रश्न उठता है कि इन आरंभिक लोगों के बारे में हमें पता कैसे चलता है। पुरातत्वविदों को ऐसी बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और इस्तेमाल ये लोग करते थे, जैसे पत्थर के औजार। हो सकता है कि उन्होंने लकड़ी और हड्डी के भी औजार बनाए हों और उनका इस्तेमाल किया हो, पर आज हमें जो साक्ष्य मिलते हैं वे हैं पत्थर के औजार। इन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल वे फल फूल को काटने, हड्डियां और मांस को काटने और पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल को उतारने के लिए करते थे। कुछ जगहों से राख के अवशेष मिले हैं जिससे पता चलता है कि इन्हें आग का पता था। आग का इस्तेमाल संभवतः कई कार्यों के लिए ये लोग करते रहे होंगे, जैसे रोशनी के लिए, मांस भूनने के लिए या खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि ये आरंभिक लोग रहते कहाँ थे। जैसा कि हमने पहले बात की कि वे भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे, यानी कि किसी जगह वे अस्थायी रूप से नहीं रह रहे थे।
तो अगर ये हम बात करें इस समय के लोगों के रहने के स्थानों के बारे में, तो हम ये कह सकते हैं कि वे ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में या गुफाओं में रहना पसंद करते थे, और विशेषकर उन जगहों पर जहाँ पानी के स्रोत हों, क्योंकि यहाँ रहने से उन्हें पानी तो मिलता ही था, साथ ही बारिश, धूप और हवा से एक उनका बचाव भी होता था। और आप भी सोचकर देखिए कि इन स्थानों को उन्होंने और किन कारणों से रहने के लिए चुना होगा। आशा है आप में से कुछ लोगों ने शायद सही अनुमान लगाया हो कि उनके जीवन के आधार पत्थर के औजार थे, तो पत्थर के औजार बनाने के लिए उन्हें ऐसे इलाकों में पत्थर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता होगा। ऐसी कुछ साइट्स या पुरास्थल आपके पाठ्यपुस्तक के मानचित्र में भी दिखाई गई हैं। अगर हम ऐसे पुरास्थलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भीमबेटका, कर्नाटक में हुंसगी और आंध्र प्रदेश में कुरनूल की गुफाएं इस समय के महत्वपूर्ण पुरास्थल या साइट्स हैं। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये पुरास्थल या साइट्स क्या हैं? तो पुरास्थल उन स्थानों को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। कई बार ये अवशेष जमीन के ऊपर या उसकी सतह के अंदर, और कई बार समुद्र और नदी के तल में भी इस तरह के अवशेष मिलते हैं। पुरास्थल एक ऐसा शब्द है जो आपकी इतिहास की कक्षा में बार बार आने वाला है, इसलिए इस शब्द के मायने आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक हमने जिस समय के बारे में बात की उसे पुरापाषाण काल भी कहा जाता है। इस काल से संबंधित एक मज़ेदार बात आपको बताना चाहूँगी कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का अस्तित्व जब से है उसका अधिकांश हिस्सा, कह सकते हैं लगभग 99% हिस्सा पुरापाषाण काल का है। अब प्रश्न उठता है कि आरंभिक लोगों का ये जो जीवन था, उनका ये जीवन ऐसा ही चलता रहा या आगे चलकर उसमें कुछ बदलाव आए? तो साक्ष्यों की मदद से हमें जो पता चलता है, हम कह सकते हैं कि लगभग 12,000 वर्ष पूर्व जलवायु में काफ़ी परिवर्तन दिखता है, जिसकी वजह से गर्मी बढ़ गई और गर्मी बढ़ने से घास के मैदान बनने लगे, और इसकी वजह से उन जानवरों की संख्या बढ़ने लगी जो घास पर निर्भर रहते थे, जैसे हिरन, भेड़, बकरी, गाय या बारहसिंघा आदि। पुरापाषाण काल के लंबे काल के दौरान लोगों को जानवरों की आदतों, उनके रहन सहन, उनके प्रजनन समय के बारे में काफ़ी सारी जानकारियां इकट्ठी हो गई थी, और यही कारण है कि धीरे धीरे उनका ध्यान जानवरों के शिकार से हटकर कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाने की ओर हुआ, और फिर धीरे धीरे उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। जंगली जानवरों को पालतू बनाना एक पूरी प्रक्रिया है। इसके तहत उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को अपने आसपास रखकर उनको भोजन देकर, उनको रहने के लिए आश्रय देकर और वहीं उनका प्रजनन करवाकर पशुपालन की ये प्रक्रिया शुरू की। पर ये प्रक्रिया शुरू होने में कई हजार वर्षों का समय लगा, और आपके मन में भी ये प्रश्न उठ रहा होगा कि किस तरह से उन्होंने जंगली जानवरों को पालतू बनाने के बारे में सोचा, या उन्होंने क्या सोचा होगा कि किन जंगली जानवरों को वे पालतू बना सकते हैं। शायद इसके बहुत सारे कारण रहे होंगे। एक शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि हम उन जंगली जानवरों को पालतू बना सकते हैं जिनको अगर हम अपने पास रखें तो हम उनके लिए भोजन उपलब्ध करवा सकते हैं, या उन जंगली जानवरों को पालतू बना सकते हैं जो ज़्यादा आक्रामक ना हो, या ऐसे जानवर जो उनके लिए भी कुछ उपयोग की वस्तुएँ प्रदान कर सकें, जैसे दूध, मांस आदि। और जैसा कि आपसे मैंने बात की कि अभी भी उन लोगों का जीवन घुमंतु शैली का था, यानी वे एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, तो ऐसे में स्वाभाविक है शायद उन्होंने यह भी सोचा होगा कि हम ऐसे जंगली जानवरों को पालतू बना सकते हैं जो उनके साथ आसानी से
एक जगह से दूसरी जगह जा सके। तो इस तरह से बहुत सारे कारण रहे होंगे ये निर्णय लेने में कि कौन से जंगली जानवरों को पालतू बनाया जाए। पर मुझे लगता है कि एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा होगा वो शायद भोजन की उपलब्धता रही होगी, क्योंकि अभी तक वे खाद्य संग्रह कर रहे थे या जानवरों का शिकार कर रहे थे। तो हो सकता है कि कई बार संग्रह में कोई दिक्कतें आती हों या शिकार करने में किसी तरह की परेशानी आती हो, तो इसकी वजह से कई बार उनको खाना ना मिल पाता हो। तो शायद ये भी एक कारण रहा होगा कि उन्होंने सोचा कि अगर कुछ जंगली जानवरों को पालतू बना लिया जाएगा तो उनसे उन्हें उनके खाने की वस्तुएं मिल सकेंगी और मांस भी मिल सकेगा। तो शायद इस तरह के बहुत सारे कारण रहे होंगे जिनकी वजह से उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू किया। और अब हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि किन जंगली जानवरों को उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया। तो आपको ये बात मज़ेदार लगेगी, आज भी आप देखते हैं कि लोग कुत्तों को पालतू जानवर के रूप में रखना बहुत पसंद करते हैं। तो सबसे पहले जो जंगली जानवर पालतू बनाया गया वो कुत्ते का जंगली एक रूप था या उसकी प्रजाति थी, और इसके बाद भेड़ बकरी आदि जानवरों को पालतू बनाया गया। यहाँ हमें यह ध्यान रखना होगा कि जब आरंभिक लोगों ने कुछ जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया तो इसका यह कतई मतलब नहीं था कि उन्होंने आखेट या खाद्य संग्रह जैसी गतिविधियों को छोड़ दिया। ये गतिविधियाँ भी चलती रहीं, हालांकि अब उनका ध्यान पशुपालन की ओर भी हो गया। अब अगर हम बात करें कि इस काल के बारे में जानने के हमारे पास साक्ष्य क्या है, तो हम कह सकते हैं कि इस समय के बारे में जानने के साक्ष्य हैं पत्थर के औजार, पालतू पशुओं की हड्डियां और गुफाओं में की गई चित्रकारियां। पत्थर के औजारों की बात करें तो पुरापाषाण काल में जिन पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता था उनका इस्तेमाल इस काल में भी हो रहा था। हालांकि पत्थर के औजारों में इस समय एक बड़ा बदलाव दिखता है। अब पत्थर के औजारों का आकार काफ़ी छोटा होता हुआ दिखता है, जिन्हें माइक्रोलिथ्स या लघु पाषाण कहते हैं। कई पत्थर के औजार इस समय के बहुत ही छोटे आकार के होते थे, कुछ तो 1 से 5 सेंटीमीटर के आकार के थे। तो इस आकार से आप समझ सकते हैं कि इन औजारों का इस्तेमाल स्वतंत्र रूप से तो नहीं होता होगा, पर संभव है कि लकड़ी या हड्डी के हत्थों में इन लघु पाषाणों को लगाकर हसिया या आरी जैसे औजार बनाए जाते होंगे। इस तरह के औजारों के साक्ष्य हमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात के कई सारे पुरास्थलों से मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि इस काल अवधि में उन्होंने कुछ जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था, तो इस समय हमें पालतू जानवरों की हड्डियां भी मिलती हैं। जैसे नर्मदा घाटी में स्थित आदमगढ़ पुरास्थल पर हमें पालतू जानवरों की हड्डियों के अवशेष मिलते हैं। और इस समय हम ये भी देखते हैं कि जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों की हड्डियां अब ज़्यादा मिलती हैं, और इस काल में हमें बहुत सारी गुफाओं में चित्रकारियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश में भीमबेटका, उड़ीसा में सुंदरगढ़ और संबलपुर, इसी तरह केरला में इडुक्की गुफाओं में इस तरह की चित्रकारियां की हुई मिलती हैं। अभी हमने जिस समय की बात की उसे मध्य पाषाण काल कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि क्या इस जीवन शैली में भी आगे चलकर कुछ बदलाव हुए? तो बिल्कुल, इस जीवन शैली में भी आगे चलकर के महत्वपूर्ण बदलाव हुए। लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हमें इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जलवायु में परिवर्तन होने लगा था, गर्मी बढ़ने लगी थी, घास के मैदान बढ़ने लगे थे,
तो इस समय हम ये देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे हिस्सों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज भी प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे और अब लोगों ने अपने जीवन निर्वाह के लिए ज़रूरत पड़ने पर पेड़ पौधों में भी संभावनाएं तलाशनी शुरू कर दी। हमें ये पता ही है कि खाद्य संग्रह वे लाखों वर्षों से कर रहे थे, तो धीरे धीरे उन्हें इस बात की जानकारी हो गई थी कि कौन से अनाज कहाँ उगते हैं, वे कब पककर तैयार होते हैं, कौन से पौधों में बड़े दानों वाले अनाज आते हैं या कौन सी डंठलें पके अनाज के भार को संभाल सकती हैं। तो इस तरह की जानकारियां उनके पास लाखों वर्षों से इकट्ठा हो रही थी और इसी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अब उन्होंने अनाज को खाने के लिए इस्तेमाल करने के साथ ही कुछ अनाज के दानों को बीज के रूप में अपने पास रखना शुरू कर दिया ताकि वे इनका इस्तेमाल उनको उगाने के लिए कर सकें। और जैसा कि मैंने पशुपालन की प्रक्रिया की बात करते समय बताया था, जंगली अनाज की जो प्रजाति है उसको मनुष्य के उपयोग लायक बनाने के लिए भी काफ़ी लंबा समय लगा। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया के तहत हम तक पहुंचा है। सबसे प्राचीन जो फसलें उगाई गईं वे थीं गेहूं, जौ आदि। और इस तरह हम देखते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व इस तरह के महत्वपूर्ण बदलाव होने शुरू हो गए थे। इस तरह आखेटक खाद्य संग्राहक अब भोजन उत्पादक बन गए। इस काल को नवपाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतया यह माना जाता है कि नवपाषाण काल से तात्पर्य एक ऐसे काल से है जब हमें खाद्य उत्पादन के साक्ष्य मिलते हैं, बर्तन बनाने की जानकारी मिलती है और ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है जो स्थायी बस्तियों में रहने लगे थे। हालांकि इस काल के पहले भी इस तरह की कुछ चीज़ें होने लगी थीं, लेकिन अपने मुखर रूप में वो इसी काल में हमारे सामने आती हैं। अगर हम इस समय के अवशेषों की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप के बहुत सारे पुरास्थलों से हमें इस समय के लोगों के बारे में जानकारियां मिलती हैं, जैसे आज के बलूचिस्तान का मेहरगढ़ पुरास्थल, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के आसपास कोल्डी हवा महगड़ा, जम्मू कश्मीर में बुर्जहोम, कर्नाटक में हल्लूर, तमिलनाडु में पय्यमपल्ली तथा उत्तर पूर्व में दाओजली हेडिंग आदि। इन सभी पुरास्थलों से हमें नवपाषाण काल के लोगों के बारे में साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे पुरास्थल हैं जिनके बारे में आप और जानने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर ये कैसे पता चलता है कि ये पुरास्थल आरंभिक खाद्य उत्पादकों या कृषकों और पशुपालकों की बस्तियों से संबंधित थे। इसका पता हमें खुदाई में मिले पौधों और जानवरों की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करके मिलता है। जैसे यदि किसी पुरास्थल पर जले हुए अनाज के दाने मिलते हैं तो वैज्ञानिक इन दानों की पहचान कर ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सी फसल उगाई जाती होगी। इसी तरह विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान की जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि जब आखेटक खाद्य संग्राहक खाद्य उत्पादक बन गए तो उनके जीवन में किस तरह के परिवर्तन आए। जब उन्होंने खाद्य उत्पादन शुरू किया तब उनके लिए एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना आवश्यक हो गया, क्योंकि जो पौधे उन्होंने लगाए थे उनको पानी देने, उनकी खरपतवार हटाने, उन्हें जानवरों और चिड़ियों से बचाने के लिए उनके लिए एक जगह पर लंबे समय तक रहना ज़रूरी हो गया। और यही कारण है कि इस समय हमें उनके रहने की बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहुत सारे घरों या झोपड़ियों के साक्ष्य मिलते हैं। इस तरह के साक्ष्य हमें आधुनिक बलूचिस्तान के मेहरगढ़, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम आदि पुरास्थलों से मिलते हैं। बुर्जहोम की बात करें तो आप वहाँ पर पाएंगे कि लोग वहाँ पर गड्ढों में रहते थे। इन गड्ढों में बने घरों को
पिट हाउस या गर्त आवास कहा जाता है, और इन गर्त आवास में अंदर की ओर जाने के लिए सीढ़ियों के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसी तरह से मेहरगढ़ से भी हमें घरों के साक्ष्य मिलते हैं। प्रायः यहाँ के घर दो या चार हिस्सों में बटे हुए दिखते हैं। विद्वानों का मानना है कि शायद कुछ हिस्सों का इस्तेमाल भंडारण के लिए होता होगा। और उनकी जीवन शैली में एक अन्य महत्वपूर्ण बदलाव हुआ कि अब जब वे खाद्य उत्पादक बन गए थे तो अब उनके लिए अनाज को संभाल कर रखना भी ज़रूरी हो गया था, और यही कारण है कि अब वे बर्तन बनाने लगे, टोकरियां बुनने लगे। कुछ बर्तनों का इस्तेमाल वे खाना बनाने के लिए करते थे और कुछ बर्तनों का इस्तेमाल वे भंडारण के लिए करते थे। इस तरह इस समय तरह तरह के मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे। कपास के उत्पादन का भी हमें साक्ष्य मिलता है। अभी तक हम ये मानते आ रहे थे कि सबसे पहले कपास उत्पादन का साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से मिलता है, लेकिन वर्तमान में उपलब्ध साक्ष्यों के हिसाब से ये कहा जा सकता है कि कपास को उगाने का पहला साक्ष्य हमें वर्तमान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिलता है। तीसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो दिखता है वो पत्थर के औजारों का है। हालांकि यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो पहले के कालों के पत्थर के औजार थे या जिस तरह बनाए जाते थे, उस तरह के पत्थर के औजार इस काल में भी बन रहे थे, पर कुछ नए तरह के पत्थर के औजार भी बनाए जाने लगे थे। जैसे कुछ पत्थर के औजारों की सतह को पैना करने के लिए उन पर कई बार पॉलिश चढ़ाई जाती थी, और जैसा मैंने बताया कि अब वे खाद्य उत्पादक बन गए थे तो उनके काम में आने लायक ओखली, मूसल जैसे बहुत सारे पत्थर के औजारों के हमें साक्ष्य मिलते हैं, जिसका इस्तेमाल अनाज को कूटने पीसने के लिए किया जाता रहा होगा। आपने आज भी देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर अनाज को पीसने के लिए ओखली और मूसल जैसे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होता है। इसी तरह कुछ पुरास्थलों से हमें शवाधान या बरियल के भी साक्ष्य मिलते हैं। जैसे वर्तमान बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से हमें इसी तरह शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं, जहां शवों को दफनाया गया है। शवों के साथ उनके ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें भी दफनाई गई मिलती हैं। ऐसा लगता है कि उन लोगों का मानना था कि इन चीज़ों का इस्तेमाल जो व्यक्ति मृत है वो आगे के जीवन में करेगा। तो इस तरह के बहुत सारे साक्ष्य हमें नवपाषाण काल से संबंधित मिलते हैं। इन सारे बदलावों या परिवर्तनों की जो मैंने बात की, इसके लिए हमें ये भी समझना ज़रूरी है कि इस तरह के बदलाव भारतीय उपमहाद्वीप के सभी स्थानों पर एक साथ नहीं आए। कुछ लोग यदि खाद्य उत्पादक बन गए थे तो इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने आखेट संग्रह की गतिविधियां छोड़ दी थीं। कई समुदायों ने ऐसी गतिविधियां जारी रखीं, और आज 21वीं सदी में भी विश्व के कुछ हिस्सों में इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं। आप कोशिश करिएगा ऐसे कुछ स्थानों के बारे में और जानने की। इस तरह से आज हमने जाना कि इस भारतीय उपमहाद्वीप में पहले पहल कब लोगों ने रहना शुरू किया, उनका जीवन कैसा था, उनके बारे में हमें कैसे पता चलता है, वे आखेटक खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक कैसे बने। तो इस तरह से बहुत सारी बातों की आज हमने चर्चा की। और अगर काल विशेष की बात करें तो आज हमने पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के समय के बारे में बात की। पुरापाषाण काल के अंतर्गत हमने लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 12,000 वर्ष पूर्व तक के समय के बारे में बात की। मध्य पाषाण काल के तहत हमने 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक के समय की बात की, और नवपाषाण काल की चर्चा करते समय हमने लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के समय में हुए बदलावों के बारे में चर्चा की। अब मैं आप लोगों को कुछ गतिविधियों का सुझाव देना चाहती हूँ। आपने सुना होगा कि इस चर्चा के दौरान मैंने बहुत सारे पुरास्थलों के बारे में बात की है, तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप भारत के या भारतीय उपमहाद्वीप के एक रूपरेखा
मानचित्र पर पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल से संबंधित पुरास्थलों को अंकित कीजिएगा और इनके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने का प्रयास करिएगा। आपने ये भी सुना कि कैसे आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। आज भी हम बहुत सारी ऐसी यात्राएं करते हैं, आप भी करते होंगे। तो आखेटक खाद्य संग्राहकों की यात्राएं और हमारी यात्राओं में क्या समानताएं हैं या क्या अंतर हैं, इसके बारे में अपने शब्दों में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और तीसरी गतिविधि ये है कि हम सभी बहुत सारे अनाजों का इस्तेमाल करते हैं। आप कौन कौन से अनाजों का इस्तेमाल करते हैं, इनमें से 4-5 अनाजों की एक सूची बनाइए। क्या आप इन अनाजों को स्वयं उगाते हैं? यदि हाँ, तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को तालिका में दिखाइए। यदि नहीं, तो ये अनाज किसान से लेकर जिसने इन्हें उगाया है से लेकर आप तक कैसे पहुँचे हैं, इनको तालिका के जरिए आप दिखा सकते हैं। यदि नहीं, तो तालिका में आप ये दिखा सकते हैं कि ये अनाज किसान से लेकर जो इन्हें उगाता है आप तक कैसे पहुँचे। तो इस तरह से आज की चर्चा यही समाप्त होती है। आशा है आप लोगों को इस चर्चा में आनंद आया होगा और हम जल्दी ही मिलेंगे एक अन्य अध्याय के साथ। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत श्रृंखला ध्वनि शाला। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, तनु गुप्ता और जगबंधु जाना। ध्वन्यांकन बटी लैंगलिंगडो और निर्माण अजीत होरो। ये श्रृंखला CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत की गई।